रास्ता बनाऊ भाई पैदल यात्रियों खातर। आजो आजो जय बाबा की। छोरा मैं हरियाणे का, छोरा मैं हरियाणे का। हाँ जी जय शिव शंकर। और काल मैं व्लॉग एंड कौन कर पायो क्योंकि काल मैं थक गयो था, जब मैं आराम दीस हो गयो, मैं काफ़ी किलोमीटर तक पैदल चले थो, तो ही मैं थाने मोटा मोटी दिखा दूँ। फिलहाल ना लिया हाँ विभाग की यात्रा खातर चल पड़े हाँ, 6 किलोमीटर और पैदल चलना, यानी 6 किलोमीटर चढ़ाई चढ़नी है, उसके बाद में 16 किलोमीटर नीचे। तो यो जो तंबू है, यो तंबू हम ले रखे तो अरे कैप में निरा तंबू ही तंबू लग रहे हैं। और ये हमारा तंबू कुछ ऐसे है यो, तो ये चलना पा यो तंबू 500 रुपया एक जने को थो, और आड़े नान का 500 रुपया ले एक गर्म बाल्टी का, गर्म पानी की एक बाल्टी का 100 रुपया, तो 100 रुपया दे के मैं ना लियो फ्रेश हो गयो। कल तो भाई साहब मैं बोला किलोमीटर पैदल चलूँ, वो भी चढ़ाई और जम्मा जम्मा छिक गयो थो लास्ट में, फिर आखिरी मैं ब्लॉग एंड करना ही भूल गयो, सीधो आमदीस हो गयो, ना रोटी खाई ना किम चाह पानी पियो। तो ये पापा चलना मंदिर में, कैमरा अलाउड को नहीं, तो मैं आते रास्ते ही वीडियो बनाऊंगा, बाकी फिर कैमरा जमा करवा लेगा। तो फिलहाल भाई भंडारे में चल आ रहे हाँ, चाह पीवांगा सिर्फ चाह, और फिर बाबा जी के दर्शन के लिए जाएंगे और उड़त है फिर घर। तो भैया लंबी लाइन देख सको था मैं, यह लाइन आगे तक 6 किलोमीटर तक ऐ स्पीड तक उड़े 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 पूरी लाइन नहीं चलेगी। कैंप तक निकल चुके हाँ, ये बड़ा करना घोड़ा 6 किलोमीटर दूर है और 6 किलोमीटर नहीं उड़े 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 चलना पड़ेगा आज। तो आज की जो यात्रा है वह हमारी सवेरे सवेरे की थी, यानी कि 4 बजे निकलने को प्लान थो, बट 4 बजे बारिश आ गई, उनके कारण आड़े अनाउंस कर दियो कि 9:30 बजे तक यात्रा शुरू होगी। तो ये टाइम हो गया है लगभग 7 बज गया, तो बारिश थम गई तो जल्दी शुरू कर दी यात्रा। बोलो जय शिव शंकर की। तो भाई काल इतनों पैदल चले हूँ, चढ़ाई चढ़ाई करी है, तो भी आज मेरा पैर पार की भी कौन दुख है, सब जमा फिक्स है, रात ने करवा ली मालिश, ये चाहे अपना 20 किलोमीटर और चाल लियो दिक्कत तो नहीं। तो चलो चलते हैं। कितने किलोमीटर आ गए? अभी 1.5 ही आए। 1.5 ही आए हाँ, तो 1.5 किलोमीटर आ गया भाई, ये थोड़ी थकान सी होगी, बैठ गया क्योंकि आगे चढ़ाई है, बहुत ऊंची चढ़ाई है, वो तो पहले थोड़ा सो शरीर ने ठंडो करके फिर चढ़ाऊंगा।
भाई साहब इतना उत्साह रहे हैं, हेलीकॉप्टर भी मारते लड़ो नीचे उठ गए। तो देखी चढ़ाई, देखिए था आगे आगे और देखिए देखिए। चलो ही आगे चलो। तो भाई लगभग 2.5 किलोमीटर आ गया और 3.5 किलोमीटर और रहेगी। मन जो चढ़ाई थी वाह आड़े तक है, आगे को नहीं, आगे है सिर्फ ढलान ढलान। आराम से जाओ, कोई चक्कर नहीं, चलो चलते हैं। आड़े भाई जो एक खच्चर हैं, सारो सामान चढ़ाने को काम अनको है, जैसे भंडारे खातर कोई सिलेंडर हो गयो या सामान हो गयो या कोई तेल वगैरह हो गयो, जो भी जितना भी सामान है ना वह सिर्फ ये खच्चर चढ़ाऊंगा। आदमी तो खाली चढ़ जाना है वो भी बहुत है। तो काफ़ी देर बाद में आए हैं विश्राम स्थल, रास्ते में कोई भी विश्राम स्थल कौन तो बैठना कोई जगह को नहीं, क्योंकि रास्ता सारा ऐसा है चिकड़ कीचड़ हो रही है। केंद्र 1.5 डेढ़ किलोमीटर दूर है हॉस्पिटल और गुफा 3 किलोमीटर। ये छोटी छोटी दुकान रास्ते में आंदी रहेंगी पर सामान बहुत महंगा मिला गो, जैसे कि पानी की बोतल 100 रुपये की। बोले शंकर भगवान की जय। बम 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 बम। चार किलोमीटर होगी पूरी और अब 2 किलोमीटर और रहेगी, या 2 किलोमीटर थोड़ी थोड़ी हार्ड है तो उसके बाद में आ जाएगी गुफा। और गुफा में फ़ोन कैमरा बैग वगैरह कुछ भी को ले जाने दें, आड़े ही जमा कराओ, टोकन लेओ और दर्शन करो वापिस आ जाओ, पूरे कोई वीडियोग्राफी फोटोग्राफी को नहीं होगा। ठीक है, तो शायद 1 किलोमीटर के बाद में फ़ोन और कैमरा बैग वगैरह मैंने जमा करवाना पड़ेगा। तो आगे को मैं लोग कौन दिखा सकूँ वापस आऊँगो, उसके बाद में लोग स्टार्ट करूँगा। जय शिव शंकर। या जो पीछे बर्फ दिखा भाई या काट के फिर रास्ता बना रखे है, ठीक है, नहीं तो पूरे पे बर्फ हो जाएगी। तो भाई थक गया थोड़ा, बैठ गया भाई कर मनवा नींबू पानी, देखा किसों को बनाओगे। तो भाई शिकंजी को टेस्ट है एक नंबर को, क्योंकि पानी को भी आड़े जबरदस्त टेस्ट है, तो 20 रुपये में कोई रोल कर। तो भाई चल पड़े हैं शिकंजी पी की, बाबा की गुफागन जाके करते हैं दर्शन। 952 पर पहुँच गए, 952 हो गया भाई, पहुँच गया मामी। तो ये भंडार वाड़ा चाह पानी को सिस्टम पालन है, हम चाह को पीवा क्योंकि हम पियाया शिकंजी। तो चाह चुकी कोई मन में कोनी है भाई ने नुआ दें, हाँ ठंडा ठंडा पानी दें, ठंडे दे ना हो गए गर्म गर्म ले हो। यस देख बाबा का दरबार पायो है, इतना कष्ट करे छोटो सो कष्ट और कर ले तू ठंडे दे ना आज। तो गर्म पानी की भाई बाल्टी मेरे ख्याल ताड़े भी 100 रुपये की मिलेगी। तो हम ही खड़े हैं गुफा से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर और आड़े बैग जमा करवा दिया, कैमरा और फोन आपस आगे ले लिया, क्योंकि वो भाई स्नान वगैरह करेगो नहाओगे इतना मैं आगे ही ब्लॉगिंग कर लूँगा और उसके बाद में गुफा के पास में जाए बाद में अपन फ़ोन और कैमरा ये भी जमा करवाना पड़ेगा, क्योंकि फोटोशूट और फोटोग्राफी को कोई सिस्टम नहीं है। तो चलो
बैग जमा करवा देवा। तो फिलहाल थोड़ा प्लान चेंज कर दियो, पहले नहाओगे फिर बैग जमा करवाऊंगा। आज ही भरे हैं नया ले बाद में। ठीक है तो ये देखो ट्रैक सूट की भी छिटा छटा लग गया टुकड़े ने। चलो आगे चलो। तो ये प्लान फिर तो चेंज हो गया है, उल्टा आ गया क्योंकि बैग जमा कर रहा पहले नानकी जो जगह है वो ऊपर टॉप में है। अगर टॉप में बैग ले गया तो फिर आड़े जमा करवाने की मन की जरूरत है। तो पहले आड़े बैग जमा करवा दिया नानो कैंसिल। बाकी आ गई वो नाना कैंसिल वो नावा तो गए बैग पूरा तरह। अच्छा तो कपड़ा लेके जाओ, मैं कपड़ा लेके जाओ, बैग आड़े इधर जाओ। चलो बैग जमा करवा दे। ले भाई बाबा बर्फान की गुफा का आ गया है। गुफा ये लाल लाल जो दिखे आड़े गुफा है। रास्ता बनाऊ भाई पैदल यात्रियों खातर। आ जाओ आ जाओ। जय बाप की।